A circuit contains an ammeter, a battery of 30 volt and a resistance of 40.8 ohm all connected in series. यहाँ पे क्या एक सर्किट जहाँ पे एमीटर बैटरी का 30 वोल्ट लगा हुआ है, इस तरीके से 30 वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है, रेजिस्टेंस दिया गया 40.8, ये करंट है सीरीज में, किसके साथ सीरीज में करंट है, एमीटर के साथ, और जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया 480 ohm, और एक संट लगाया गया है जो कि है 200 ohm का, ठीक है, तो यहाँ पे 20 ohm का है, तो यहाँ पे 20 ohm संट भी लगा जो कि इस एमीटर के पैरेलली कनेक्ट होगा, द रीडिंग इन एमीटर, तो बताना है एमीटर में कितना करंट नोट होगा, ऑप्शन है 2 एम्पियर, दूसरा है 1 एम्पियर, तीसरा है 0.5 एम्पियर और चौथा 0.25 एम्पियर। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पैरेलल के लिए यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 19.2 ओम के इक्वल आएगा, और इसको प्लस कर देंगे हम लोग 40.8 ओम से, कितना आ जाएगा हमारा 60 ओम आ गया, क्या हो गया ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, पूछा गया करंट यहाँ पे कितना होगा, तो आई इक्वल क्या होता है, वी बाई आर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे V कितना दिया गया है 30 दिया गया है, R आ गया हमारा 60, तो कट करेंगे 1/2, 1/2 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर लिख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, C, C इज द करेक्ट आंसर।